दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज को याद करना। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, या पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज किस क्षेत्र में काम में ली जाती है, तो कौन कौन सी अपन इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको अपन आज याद करेंगे। देखिए याद कैसे किया जाए। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको याद करने के लिए एक लाइन बनाई है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको आप समझ सकते हैं। देखो क्या क्या देर का उस लाइन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, यहाँ पे आपके याद करने के लिए, फॉर ऑल लिस्ट को क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल लिस्ट को बीए पास से प्लस किया जाता है। आपस ध्यान से सुनना, फॉर ऑल लिस्ट को बीए पास से प्लस किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया फॉर, फॉर से बनेगा फोरट्रान, फोरट्रान का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद वर्ड आया ऑल, ऑल से बनेगा एल्गोल, क्या बनेगा एल्गोल, और एल्गोल का पूरा नाम होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आया लिस्ट, लिस्ट से बनेगा आपको लिस्ट प्रोग्रामिंग। उसके बाद वर्ड आया अपने पास कौन सा, को, को से बनेगा कोबॉल, क्या बनेगा कोबॉल। उसके बाद बनेगा बीए, और बीए से बनेगा बेसिक लैंग्वेज। उसके बाद होता है पास, पास से बनेगा पास्कल लैंग्वेज। उसके बाद बनेगा से बनेगा सी, और उसके बाद आगे देखा प्लस, सी के साथ अपन अगर प्लस प्लस जोड़ेंगे तो ये लैंग्वेज बन जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी, सी प्लस प्लस। और उसके बाद देखा जाता है, जाता का आप मतलब समझना आपको, जावा, कौन सी लैंग्वेज, जावा, जो इंटरनेट के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब अपन देखो आगे एक्सप्लेन करके पूरा समझते हैं क्या देखा। सबसे पहला वर्ड आया था अपने पास कौन सा, फॉर, फॉर का पूरा नाम होता है कौन सा, फोरट्रान, और फोरट्रान मतलब होता है कौन सा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इस भाषा का जो विकास किया गया था वो किया गया था 1957 के अंदर। और अगर आपको पूछा जाए जो फोरट्रान लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको इसका जवाब देना है कौन सा, गणित के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ड आया कौन सा, ऑल, ऑल से बनेगा कौन सा, एल्गोरिथम लैंग्वेज। और इसका विकास किया गया था, वो किया गया था 1958 के अंदर। और अगर आपको पूछा जाए जो एल्गोल लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, इसका जवाब देना आपको क्या, वैज्ञानिक क्षेत्र, मतलब कि साइंस के क्षेत्र में। उसके बाद वर्ड है कौन सा, लिस्ट, लिस्ट का पूरा नाम होगा लिस्ट प्रोग्रामिंग, क्या बनेगा लिस्ट प्रोग्रामिंग। और इसका भी विकास किया गया था, वो किया गया था 1958 के अंदर। और अगर आपको पूछा जाएगा कि AI, AI मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन सी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो आपको जवाब आने से कौन सा, लिस्ट प्रोग्रामिंग, कौन सा, लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और AI आपने समझा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि एक ऐसी कृत्रिम बुद्धि बनाई जाएगी जो कंप्यूटर में स्टोर की जाएगी, मतलब कि कंप्यूटर सारा का सारा जो कंप्यूटर सोचेगा समझेगा उसके अंदर जो भी कैपेसिटी होगी वो होगी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब की कृत्रिम बुद्धि दी जाएगी। उसके बाद अगला वर्ड है अपने पास कौन सा, को, को मतलब होता है कोबॉल, क्या होता है कोबॉल। और इसका विकास किया गया था 1959 के अंदर, मतलब 1959 के अंदर। और ये किसके लिए प्रयोग होती है, होती है बिजनेस के लिए, इसके नाम के नाम में भी आ रहा है कोबॉल, बी मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस के लिए प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज वो होती है कोबॉल। और कोबॉल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद वर्ड है कौन सा, बेसिक, बेसिक का प्रयोग होता है वो होता है एजुकेशन के लिए। और इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था 1964 के अंदर। अब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कोबॉल और बेसिक का पूरा नाम, जैसे मैंने कोबॉल का तो बता दिया, अब बेसिक का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए बिगनर्स ऑल पर्पस, क्या होगा बिजनेस, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कॉर्ड, वापस ध्यान से सुनना, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कॉर्ड। उसके बाद वर्ड है अगला कौन सा, पास, पास से बनेगा पास्कल, क्या बनेगा पास्कल। और इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था कौन सा, कब, 1970 के अंदर। और इसका भी प्रयोग एजुकेशन शिक्षण क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद वर्ड है कौन सा, से बनेगा अपन क्या, सी बनेगा। उसके बाद रहेगा प्लस, प्लस का आपको यहाँ पर डबल प्लस करना है, क्या बनेगा सी प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे दो बार लिखा 1979 और 83। अब सी का विकास कब किया, सी भाषा का, सी प्लस प्लस भाषा है उसका विकास कब किया गया था, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या था, जो सी प्लस प्लस भाषा थी इसका स्टार्टिंग प्रारंभ में इसका नाम था सी विथ क्लासेज। तो जब सी विथ क्लासेज बनाई गई थी उसमें वो विकास किया गया था, वो किया गया था 1979 के अंदर, मतलब की 1979। और जब इसका नाम सी विथ क्लासेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सी प्लस प्लस, वो ईयर पूछे आपको कि भाई सी, जो सी विथ क्लासेज लैंग्वेज थी उसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस कब कर दिया गया, तो आपको इसमें जवाब देना 1983, मतलब कि 1983। और इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको बताना, सिस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, सिस्टम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसका डिजाइन कर, इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए सी प्लस प्लस का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड आया जाता, जाता से आपको समझना है जावा, कौन सी लैंग्वेज, जावा। और जावा का विकास कब किया गया, बहुत ही अभी किया गया था, वो है 1995, मतलब 1995। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट के लिए। अब आपको पूछा जाएगा इंटरनेट के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में ली जाती है, आपको जवाब देना इसका जावा।
ठीक है। अगर आपको जावा का विकास कब किया गया तो आपको जवाब देना कौन सा 1995। अब उसके आगे देखिए दोस्त, अपने बहुत सारी अलग अलग वीडियो में अलग अलग ट्रिक्स मैंने बताई, जैसे कंप्यूटर की विशेषता आपको एक ही लाइन में याद कराई थी, उसका बताया था मैंने कौन सा, विश्वास को एक से अधिक कार्य उद्देश्य के लिए गति और शुद्धता के साथ सुरक्षित और स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार मैंने आपके आज के लिए ट्रिक्स बनाई कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज को याद करने के लिए, जैसे मैंने बताया था फॉर और लिस्ट को, क्या आप लैंग्वेज बताई थी, देखो ध्यान से वापस, फॉर और लिस्ट को बीए पास से प्लस किया जाता है। ये एक लाइन याद कर लीजिए, आपको सारी सारी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वो सारी सारी हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि उच्च स्तरीय भाषाएं याद हो जाएगी। और प्लस कौन सी भाषा का विकास कब किया गया, कौन सी भाषा का विकास कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो सारी सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।